नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी हमारे साथ हैं। के भाई, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी वाणी और अपनी वाणी से निकले कटाक्षों के कारण के मिश्रा जी की चर्चा होती है, चर्चा कई और भी तरीके से होती है। हमेशा जो झगड़ा है वो सीधा शिवराज सिंह से ही क्यों होता है? अनुराग जी, मेरा शिवराज सिंह जी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। मैं हमेशा नीतियों का पक्षधर होकर करप्शन के खिलाफ लड़ता हूँ, और उस जुगत में जो भी आ जाता है मैं उसके खिलाफ लड़ लेता हूँ, तो वो मेरा दुश्मन बन जाता है। बाकी किसी से मेरी निजी दुश्मनी नहीं है। मेरा निजी दुश्मन भ्रष्टाचार है। करप्शन की बात की, और शिवराज जी तो कहते हैं कि उन वो बिल्कुल करप्ट नहीं है और उनके राज में कोई करप्शन नहीं है। यदि वो कहते हैं तो उनके मुंह में घी शक्कर, ये सर्टिफिकेट तो मध्य प्रदेश की प्रजा देती है। अपने मुंह से ईमानदार कहलाना, मैं समझता हूँ मियाँ अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने के बराबर होगा। आप लगातार 2018 का चुनाव हुआ, आपकी सरकार बनी, ऐसा क्या रहा कि सरकार को जाना पड़ा ना चाहते हुए? विवादों के कारण गई, गुटबाजी के कारण गई, क्या उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगी? सरकार जाने का सिर्फ दो कारण है, क्योंकि जो कार्यशैली माननीय कमलनाथ जी प्रदेश की जनता को समर्पित कर रहे थे, उस कार्यशैली से जनता में उनके प्रति एक आदर बन रहा था। मिलावटखोर, माफिया, वो सब जिस हिसाब से मारे जा रहे थे संवैधानिक तौर पर, व्यक्तिगत ईर्ष्या कमलनाथ जी की किसी से भी नहीं थी, उन तमाम माफियाओं ने गद्दार सिंधिया से मित्रता करके सरकार को गिराया है। अन्यथा शिवराज सिंह जी को तो जनता ने राजनीतिक ठोकर मारकर 2018 में ही दुरुस्त कर दिया था। ये तो एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया हैं, ही इज नॉट ए लीडर। लेकिन बीजेपी का जो प्रचार का तरीका है या जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है, वो तो कहते हैं कि एकमात्र नेता है शिवराज जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, उनकी टक्कर का कोई दूसरा नेता किसी भी दल में नहीं है। ये तो वही बात होगी जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि शिवराज सिंह जी कह रहे हैं मेरी सरकार बहुत ईमानदार है। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं ईमानदार है, और फिर ये भी कहते हैं साथ में कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, करप्शन नहीं होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 2 लोग घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, ये भी सच है। मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, ये बता दें कि ऐसी कौन सी योजना इस मध्य प्रदेश में रही है या संचालित हो रही है जो भ्रष्टाचार से परे हो। शमशान तक में तो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं वो। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, शिक्षा दान, कन्यादान और देह दान, इन तीनों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके बाद बचता क्या है? अच्छा, एक सवाल बीच में रह गया कि कमलनाथ जी की सरकार बनी, आपने कहा कि कुछ लोगों में की खरीद फरोख्त हुई और गद्दारी करके लोग चले गए। पूरे मीडिया ने ताकत लगाई थी कि एक बार माहौल बने और जो सरकार है वो बदले, कुछ नया मध्य प्रदेश में हो तो कमलनाथ जी को लेकर। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी, उस समय मीडिया जो था, जिसको कमलनाथ जी के फेवर में उनके साथ गलत हो रहा था, तो खड़ा होना चाहिए था। मीडिया ने भी अपने रोल ठीक से नहीं निभाया। मीडिया को मैं दोष नहीं दूंगा, मगर जो स्थितियां निर्मित हुई थी उसमें मीडिया की भूमिका भी तटस्थ नहीं थी। नहीं, मैं भी यही जानना चाहता था, चूंकि आपका मीडिया से चोली दामन जैसा साथ है और आपके जितने मित्र मीडिया में, शायद कांग्रेस में उतने कम ही लोगों नहीं, के आप सबकी कृपा है, है ना? तो ऐसा क्या था कि जो मीडिया कमलनाथ जी के साथ था वो सरकार गिरते वक्त सिर्फ तमाशबिन बन गया? क्या शोभा ओझा उसका एक कारण रही? क्या एक कोई बड़गैया साहब आए थे वो उसका एक कारण रहे? उन्होंने बहुत निगेटिविटी कर दी थी। आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हमें पता है ये मीडिया शिवराज से बिका हुआ है, इस तरह की बातें क्या ठीक लगती हैं? शोभा जी या बेलगैया जी, दोनों ने अच्छा काम किया है। काम की शैली अलग अलग हो सकती है, मगर सबका ध्येय माननीय कमलनाथ जी की सरकार को मजबूत करना था। मगर आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपने स्वयं को और राजनीतिक पिपाशा शांत करने के लिए सिंधिया जैसे गद्दारों ने माननीय कमलनाथ जी की पीठ पर साथ में रहकर आस्तीन के सांप बनकर डसा है और चूरा भोका है। आने वाले दिन उनका हिसाब करेंगे। इसमें यह भी बात निकल के आती है कि दिल्ली में कोई बैठक थी, वहाँ
कमलनाथ जी के यहाँ से सिंधिया साहब को गेट आउट कर दिया गया था, उसकी टीस उनके मन में थी और उन्होंने सोचा कि अब कुछ रास्ता नहीं बचा है इसलिए कांग्रेस को अलविदा कर देना। नहीं, ये कपोल कल्पित बात है। गुना से ज़रूर वहाँ की जनता ने सिंधिया जी को गेट आउट किया था, जिसका दर्द उन्हें बहुत सता रहा था, तो वो गद्दारी करने का एक कारण वो भी है, आर्थिक कारण तो थे ही। और सिंधिया को मैं राजनेता नहीं मानता हूँ, वो शुद्धता एक व्यवसायी है। अच्छा, सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनको कांग्रेस का कोई व्यक्ति गद्दार नहीं कहता था? उनके खानदान को तो कहते थे भाई, जिनका देश की आज़ादी से लेकर गांधी जी की हत्या तक चरित्र देश के बच्चे बच्चे को मालूम है, तो क्या गद्दार माँ की कोख से भगत सिंह पैदा होगा? मैं आपसे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के उत्तर पूछता हूँ। जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तक ये आपको कभी अनुभव नहीं हुआ, पूरी कांग्रेस को अनुभव नहीं हुआ कि गद्दार हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं? शायद अतीत के प्रश्नों को आप देखिएगा, जब सिंधिया जी ने, बड़े सिंधिया, लेट सिंधिया जी, तब मैंने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इनके सिंधिया खानदान पर गद्दारी का आरोप लगाया था। आई वॉज ओनली मैन जिसने कांग्रेस में रहकर इनके खानदान को उजागर किया था। और गद्दार हैं या नहीं है ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत पहले लिख गई कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी, उन्होंने तो बहुत पहले लिख दिया था। अब से चर्चा चली, तो सुभद्रा जी की उस किंवदंती को आज भी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि जो लोग अंग्रेजों के साथ थे आज सिंधिया उन्हीं के साथ हैं, तो वो जिनसे जाकर मिले हैं वो सुभद्रा जी की उन पंक्तियों को ही तो इतिहास के माध्यम से दोहरा रहे हैं। सिंधिया जी अब ठीक जगह पहुंच गए, धोबी का डॉट 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 उनकी हालत 2023 के बाद वो होगी, नहीं उनकी होगी ना होगी तो भविष्य का, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके जो साथ के मंत्री हैं आपके यहाँ जो कांग्रेस में थे, वो सब भी इसमें लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं महाराज एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। यदि आप पार्टी उनको अभी कह दे कि मध्य प्रदेश में हम तीसरी शक्ति के रूप में चुनाव लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री का फेस आपको कर देंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ज्वाइन कर लें। के मिश्रा साहब अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और वो बता रहे हैं कि सिंधिया के बारे में क्या कंडीशन है। अभी स्थिति यह है कि सिंधिया जी अपनी जगह हैं, कमलनाथ जी अपनी जगह हैं, शिवराज जी अपनी जगह हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी जगह हैं, और फिर चुनाव का मौसम बन चुका है। क्या लग रहा है आपको? सिर्फ मध्य प्रदेश में एक ही चेहरा है जो विश्वस्त और विश्वसनीयता का पर्याय है, और वो है माननीय कमलनाथ जी का चेहरा। चूंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में जितने लोकप्रिय नहीं हो पाए थे 11 माह के कार्यकाल में, आप 2.5-3 माह पार्लियामेंट की अधिसूचना के हटा दीजिए, चुनाव वाले अपन हटा देते हैं, उसके सरकार से हटने के बाद आज जो सम्मान माननीय कमलनाथ जी का है, शायद वो अद्वितीय सम्मान और किसी नेता का मैंने नहीं देखा है। मैं माननीय प्रकाश चंद सेठी जी का भी करीबी रहा हूँ, अर्जुन सिंह जी के साथ रहा हूँ, माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ मैंने काम किया है, सुरेश पचौरी साहब, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, सबके साथ मैंने काम किया है, मगर आज का चेहरा सिर्फ और सिर्फ माननीय कमलनाथ जी का चेहरा है। क्योंकि मिश्रा साहब कह रहे हैं कि जो चेहरा है एकमात्र मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय, वो है कमलनाथ जी का। के मिश्रा जी से बातचीत के इस दौर को हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय। अच्छा, मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी हैं। के मिश्रा जी, एक बीच में आपके वीडियो को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं। अनुराग जी, यह भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित साजिश का मैं शिकार हुआ था। जिस दिन यह वीडियो वायरल हुआ उस दिन आदिवासी नौजवान जो SP झाबुआ से अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे थे, और SP झाबुआ जो निलंबित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने जो गालियां उनको दी, फिर शाम को ही उसके बाद कलेक्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया। मुझसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए कुछ हमारे साथी लोग बोले, आप इनकी मदद कीजिए। मैं क्या क्यों मदद करूं? एक भ्रष्ट व्यक्ति या एक आदिवासी नौजवानों को जान की सुरक्षा नहीं देने की अपेक्षा गाली दे रहा है,
बोले वो ब्राह्मण है। मैंने कहा मैं कर्म आधारित चरित्र को मानता हूँ और उनके कर्म ब्राह्मणवादी नहीं है। तो जो कि एक सामान्य प्रक्रिया बातचीत की चल रही थी उसमें उन्होंने अपने काम की चीज़ जो कि पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ है कि जब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कर रही तो उसे वायरल नहीं कर सकते हैं, उन्होंने वो नौकरी भाजपा के प्रति निभाई है। और मैं आज भी कहता हूँ मुझे, मैं ब्राह्मण हूँ, उसके लिए सर्टिफिकेट मुझे किसी से भी नहीं लेना है। मैं कर्म से, चरित्र से, संस्कारों से ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और एक ईमानदार कुल में पैदा हुआ हूँ। मेरे दिवंगत पिताजी 38 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद 25 पैसे उन पर रिश्वत का आरोप नहीं था, तो मैं तो उस कुल का हूँ और मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। मैं दुर्भाग्य में टीका नहीं लगाता हूँ। उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि हमारे यहाँ एक नेता प्रीतम दोधी ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की तो हमने तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया और कांग्रेस का दोहराचर्य तो है, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रीतम लोधी साहब ने सभा में कहा था, मेरी बातचीत हमारे मीडिया के मित्रों से निजी चल रही थी और वो भी संपादित अंश उन्होंने दिखाए मुझे डैमेज करने के लिए। मैं ब्राह्मण हूं या नहीं हूं वो मेरे संस्कारों में निहित है, मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? तो लगता है कि इस तरह के और भी कुछ किस्से बीजेपी करती रहेगी अभी चुनाव का मौसम है। देखिए चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे 18 साल से मैं लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, चार चार पाँच पाँच बार मेरे खानदान की जांच करवा ली, कुछ भी नहीं मिला, एक कील भी नहीं मिल रही भ्रष्टाचार की उनको। तो ऐसी घटनाएं वो करेंगे क्योंकि वो जिसे इस तरह नहीं निपटा पाते हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि मेरे वहाँ ईडी सीबीआई के छापे लगा दो तो मेरी रेपुटेशन बन जाएगी, तो वो भी उन्होंने तलाश करा ली और लगी नहीं। एक आरोप और लगाते हैं वो आपको, मीसाबंदी होने का और मीसाबंदी पेंशन लेने का, कई तरह की बातें करते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ मीसाबंदी होना मेरी राजनीतिक सफर के संघर्ष का प्रमाण है कि मैं कांग्रेस में 1971 में आया था, आज तक कांग्रेस में हूँ। और जब मैं मीसाबंदी था, तुलसी सिलावट जी खुद थे छात्र नेता थे, सज्जन वर्मा जी छात्र नेता थे, हम 13 छात्र नेता थे जो कांग्रेसी थे, महेंद्र हार्डिया जी हमारे उस टाइम कांग्रेस में थे, हम सब लोग चूंकि कॉलेज के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी थे तो सरकार के खिलाफ लड़ते थे। हम विद्यार्थी हमको चुनते थे, हम सरकार के साथ नहीं होके विद्यार्थियों के साथ रहते थे। तो मुख्यमंत्री जी ने मीसा लगाई थी और मुझे गर्व है कि मैं मीसा में था। मैं कोई नेताओं की धोती चप्पल उठा के थोड़ी आगे बढ़ा हूँ। ये भी आरोप लगता है कि आप तो पुराने संघी हैं। मेरे खानदान में कोई संघी नहीं है, खानदान में कोई साबित कर दे तो जिंदगी भर उसके जूते चप्पल सर पर रख के घूमूं। मेरे खानदान में मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, 40 साल तक जनपद अध्यक्ष यूपी में रहे हैं। मेरे खानदान में मैं तो कांग्रेस से हटकर भी कोई हो तो प्रमाण ला दे, जिंदगी भर उसकी चप्पल सर पर लगाऊंगा। ये तो आपने सफाई दी, हम चुनाव की सफाई नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ मैं इनसे डरता थोड़ी हूँ नेकर वालों से। हम बात कर रहे थे चुनाव की, चुनाव में कितनी सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी, क्या परिदृश्य लग रहा है आपको? हम 145 से अधिक सीटें जीत कर सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार होगी। तो ये कमलनाथ जी के लिए वोट होगा या शिवराज के खिलाफ वोट होगा? ये चुनाव कमलनाथ जी के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। मध्य प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सिर्फ इश्तिहारों के माध्यम से सरकार भ्रम पैदा कर रही है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसा क्यों का छोड़ेंगे, तो जब भगवानों के मंदिरों पर इवेंट बनाकर सरकार चला रहे हैं और उनकी लोकप्रियता आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता निमंत्रण बांट रही हैं, पार्षद 1,000 लोगों की भीड़ लाने का टारगेट दिया है, आरटीओ को गाड़ियां भेज के समीपस्थ जिलों से भीड़ बुलवाई जा रही है, ऐसी नौटंकी क्यों प्रोग्रामों में करते हैं? ये सरकार ही इवेंट की सरकार है, लोकप्रिय सरकार नहीं, जनप्रिय सरकार नहीं है। यह भ्रष्टाचारियों का एक समूह है जो सरकार को संचालित कर रहा है, चूंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से ही सरकार में आया है तो उसका लक्ष्य भ्रष्टाचार ही है। अगले चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, सिर्फ करप्शन या और भी कई सारी चीजें हैं? हमारे पास कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान की आत्महत्या मुद्दा है, किसानों की समस्या मुद्दा है, कानून व्यवस्था हमारे लिए मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, मुद्दों की भरमार है। पिछला जब उपचुनाव हुआ तब आप ग्वालियर में थे और सिंधिया के खिलाफ खूब कागज लेके आपने पत्रकार वार्ताएं की, सब किया, क्या क्या निकला उसका नतीजा? वहां तो हम जितनी सीटें जीते उसमें 9 सीटें हमने वहीं से जीती है, ग्वालियर चंबल संभाग से, और अब की भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। आप लोगों ने एक आरोप लगाया था, आपकी पत्रकार वार्ताओं में निकल के बात आती थी कि भूमाफियाओं जैसा काम कर रहे हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आज वो केंद्रीय मंत्री, उस टाइम तो एक पराजित लोकसभा के प्रत्याशी थे, सामान्य थे,
आज वो केंद्रीय मंत्री, मैं फिर कह रहा हूँ हम उससे खुली बहस कर लें, आज भी कागज मेरे पास पड़े हैं, यदि वो झूठे साबित हो जाए तो मुझे गोली मार दें। चर्चा तो ये भी होती है कि उनका बीजेपी में मन नहीं लगेगा तो वापस कांग्रेस में ही आना है, उन्हें तो आप ही के साथ बैठना है। अनुराग जी, एक प्रतिष्ठित चैनल में आपके समक्ष बात कर रहा हूँ जो बहुत सीनियर हस्ताक्षर है जर्नलिज्म के, जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आ गए, मैंने ग्वालियर में भी बोला था, लाइव चली थी, आज फिर आपको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैं जिंदगी भर आखिरी सांस तक वोट कांग्रेस को दूंगा, मगर सिंधिया के आने पर मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। तो ऐसी कोई निजी दुश्मनी हो गई क्या? निजी दुश्मनी नहीं, मैं विचारधारा को समर्पित एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। मेरे परिवार में, घर नहीं परिवार में, कांग्रेस के नाम पर एक शीशे का ग्लास भी नहीं है। मैं विचारधारा के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ भी नहीं हूँ। विचारधारा बहुत बड़ी है कांग्रेस की, और यही कारण है कि आज 135 साल से अधिक कांग्रेस जिंदी है। तो मैं विचारधारा का सिपाही हूँ, राजनीतिक दल का सिपाही नहीं हूँ। और जब विचारधारा गद्दारों को गले लगाएगी तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगा। अच्छा, अब जब चुनाव आएगा तो दिग्विजय सिंह जी भी आपके यहाँ एक बड़े नेता है, वो भी आएंगे और वो खुद कई बार ये कह चुके हैं कि मैं सामने आता हूँ तो वोट कट जाते हैं। माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रमुख चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री जी के उम्मीदवार होंगे, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, माननीय विवेक तनखा साहब, ये सारे लीडर कमलनाथ जी को भरपूर सहयोग दे रहे हैं और सरकार बनाने में भी देंगे। ये तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपका जो मीडिया विभाग है वहीं कई बार खटपट की खबरें आती हैं। मीडिया विभाग एक परिवार के रूप में काम कर रहा है, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। बीच में कुछ लोगों को बड़ी आपत्तियाँ हुई थी, खुल के तो नहीं बोल पाते थे, कि आपने कुछ नंबरिंग सिस्टम शुरू कर दिया, किसी को ज़्यादा नंबर दिए, किसी को कम दिए, उससे भी बहुत प्रवक्ता खफा हो गए थे, कोई इंटरनल प्रक्रिया रही आपकी? नहीं, इंटरनल प्रक्रिया नहीं, वो एक प्रक्रिया का अंग था जो किसी ने किसी रूप में बाहर किसी ने लीक कर दिया था। उसके पीछे दुर्भावना किसी के नहीं है, पूरी टीम हमारी दिल से काम कर रही है और हम किसी को पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, कोई कांग्रेस के नौकर थोड़ी हैं, वो दिल से कांग्रेस के लिए और कमलनाथ जी के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, सरकार अब जब आपकी आएगी, जैसा आप कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं 2023 में, तो क्या कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्या करना है कांग्रेस को? चुनौतियों और चुनौतियों से जूझने का पर्याय ही कमलनाथ जी का नाम है। मैं तो कमलनाथ जी से इतना जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कमलनाथ जी खुद भोले भंडारी हैं। मुझे माननीय कमलनाथ जी से कोई बंगला नहीं चाहिए, कोई सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, कोई वेतन नहीं चाहिए, मुझे तो अवैतनिक रिवेंज कमीशन का चेयरमैन बना दें, क्योंकि जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने भुगता है उनसे तो मैं बदला लूंगा यदि मैं उस लायक रहा तो। ये तो राजनीतिक राइवलरी चलती रहती है। नहीं, जिस स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ दी गई है, शायद मैं तो उन जख्मों को नहीं भूल पाऊंगा। राजनीति में यह होना नहीं चाहिए। 18 साल में या एक दो साल में? पिछले 17 सालों में ये जो दौर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश या देश भर में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विपक्ष के लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उनकी हत्याएं करवा रही है, झूठे केसों में फंसा रही है, ये राजनीतिक मूल्य नहीं है। मैं तो कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा आज कि उन्होंने आज मीडिया ब्रीफिंग में कुछ ऐसी बातचीत निकली तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्ष के नेता भी, मुलायम सिंह जी यादव के कंडोलेंस को लेकर चर्चा चल रही थी, बोले हम सब वैचारिक दुश्मन हैं, मैं राजनीतिक दुश्मनी किसी से नहीं करता हूँ। तो जब इतना बड़ा नेता इतनी बड़ी बात करते हैं राजनीति में रहकर, और ये इतने बड़े नेता कहला के टुच्चे साबित हो गए हैं, तो इन सब बदला तो लेना पड़ेगा, और मैं तो लूंगा भाई साहब। के मिश्रा साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो यातनाएं दी गई हैं हम उनका बदला जरूर लेंगे, और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा दावा के मिश्रा साहब का है। आपके लिए के भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने दखल न्यूज़ को समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज बस इतना ही बेबाक बात में, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।